की और राजस्थान की संस्कृति अतुल्य अनुकरणीय है, पूरा विश्व आज उसका अनुकरण कर रहा है। और ये साफा बांधो प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें एक लिमिट समय में आपको पूरा साफा बांधना होता है। राजस्थान प्रतिभागियों ने किंतु सभी ने भाग लिया, इसके लिए पूरा प्रशासन उनकी कद काठ आभारी है। हर चीज के पद्मनी एक से बढ़कर एक मेरता की राजस्थानी परिधान की सुंदरता मिस पोखरण की प्रतियोगिता चल रही है। ये फर्स्ट की ओर नो डाउट, एक तरफ ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं, पूरी ताकत झोंक रही है, देखते हैं कौन विजय होता है। मुझे आगे पायलट बनना है, कमर्शियल पायलट। हवाई जहाज उड़ाएंगे? हाँ। बिल्कुल, सुंदरता में भी, एजुकेशन में भी और स्टंट में भी। हाँ। कुछ अपन की एक कमी अपन को हरा सकती है, अगर मैं ये हाथ में कड़ा ना पहनूं तो मेरे को इसके नंबर कट जाए। मेरे अकॉर्डिंग मैंने 200% दिया इसको। जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDS राजस्थान में आपका स्वागत है। मरु महोत्सव 2024 का रंगारंग आगाज हो रहा है। परमाणु नगरी के नाम से विख्यात पोखरण की धरती से शोभा यात्रा के साथ मरु महोत्सव का आगाज हो रहा है, जिसमें विभिन्न झांकियां प्रस्तुत करते हैं, अलग अलग संस्कृति को पेश करते हैं, विभिन्न तरह के नृत्य, विभिन्न तरह के बैंड, साथ में मंगल कलश लिए महिलाएँ। और यहाँ पोखरण से विधायक प्रतापपुरी जी महाराज, BSF के जवान, अनेक सुंदर झांकियाँ, विभिन्न भगवान की, भगवान श्री राम की, विवेकानंद जी की, ऐसी झांकियों के साथ सुंदर शोभा यात्रा पोखरण की मुख्य मार्गों से गुजर रही है, कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रही है, जहां पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने हैं पोखरण की धरती से। विभिन्न नृत्य के साथ शोभा यात्रा का रंगारंग आगाज। जगह पुष्प लिए स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। डेजर्ट फेस्टिवल पोखरण, ये पोखरण के बाजार का दृश्य। BSF के जवान साथ साथ में चल रहे हैं। विभिन्न तरह के बैंड, शानदार प्रस्तुतियां यहां पर देते हुए चल रहे हैं। राजस्थानी वेशभूषा में, रण बांकुरे अंदाज में खूबसूरत दृश्य राजस्थान की संस्कृति का पेश करते पांडु नगरी पोखरण के विधायक प्रतापपुरी जी महाराज, साथ साथ यहां लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, साथ में गणमान्य लोग पोखरण के मौजूद हैं।
नृत्य राजस्थानी संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। काशी की रानी लक्ष्मीबाई के सुंदर साथी विभिन्न साखियाँ साथ साथ में चौराहों पर सुंदर रंगोलियां सजी हुई है। विदेशी पर्यटक भी खूब आनंद ले रहे हैं। राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज की सुंदर झांकी सजी हुई, घोड़े पर सवार रामदेव जी महाराज हाथ में बाला लिए और साथ में लाछाबाई सुखनाबाई हरजी भाटी की सुंदर झांकी सजी हुई। बाबा रामदेव जी महाराज जो की रामदेवरा पोखरण की धरती से ही उनकी समाधि है। मरु महोत्सव 2024 का रंगारंग आगाज हो चुका है। सुंदर रंगोलियां जगह जगह सड़कों पर सजी हुई है। डेजर्ट फेस्टिवल 2024 अपनी अनूठी पहचान, अपनी अनूठी संस्कृति के साथ, शोभा यात्रा के साथ आगे बढ़ चला है और विभिन्न झांकियां, जिसमें सुंदर सुंदर झांकियां विभिन्न संस्कृतियों को पेश करती, विभिन्न नृत्य को पेश करती झांकियों के साथ शोभा यात्रा उस कार्यक्रम स्थल तक पहुँच चुकी है जहाँ पर आगे के कार्यक्रम आयोजित होने हैं। जाएंगे और पोखरण के पर्यटन को ऊंचाई प्रदान करेंगे। इसी संदेश के साथ, इसी भावना के साथ ये गुब्बारे उड़ाकर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ भी किया है माननीय विधायक महोदय संत प्रतापपुर जी महाराज, साथ में पोखरण से मरु महोत्सव 2024 का रंगारंग आगाज हो चुका है और जिनके कर कमलों से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है यहाँ के विधायक प्रतापपुरी जी महाराज, इससे संस्कृति से जुड़े इस कार्यक्रम का आगाज हुआ है। किस तरह का एक सुनहरा भविष्य देखते हैं राजस्थान का? भारत की और राजस्थान की संस्कृति अतुल्य अनुकरणीय है। पूरा विश्व आज उसका अनुकरण कर रहा है क्योंकि इसके अंदर मानवता है, इसके अंदर आध्यात्मिकता है और इसके अंदर जीवंतता है। इसलिए हम सबको अपनी संस्कृति और जड़ों को मजबूत रखने के लिए ऐसे आयोजन करने चाहिए। तो मुझे प्रसन्नता है कि पोखरण में ये मरु महोत्सव के माध्यम से बहुत सारी उभरते हुए प्रतिभाएं हमारे सामने आई हैं और वो अपनी संस्कृति को जीवंत रखी हुई है। उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों ने भी भरपूर सहयोग किया है और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस मरु मेले को मना रहे हैं और ये अनवरत आगे भी मनाते रहेंगे, ऐसी आशा रखता हूँ और सभी इसमें भाग लें। कलाकारों के लिए
साफा बांधो प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें एक लिमिट समय में आपको पूरा साफा बांधना होता है। राजस्थान प्रतिभागियों ने साफा बांधने का वर्ष भर अभ्यास किया है कि जो अभ्यासरत होते हैं वो ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और उनको एक लिमिट समय में आपको तेजी से साफा बांधना होता है और ये बहुत दिनों से तेजी से साफा बांध कर दिखा दिया है। बाकी लोग अभी तक साफा बांध रहे हैं और आपको कंप्लीट साफा बांधना होता है। राजस्थानी किसी भी शैली का आप साफा बांध सकते हैं और अब ये प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। मास्टर पोखरण की विरासत को संजो कर रखने राजस्थानी लिबास में संगम है, थार के सौंदर्य से पर्यटकों को रूबरू कराते हैं। स्वागत है जो इसमें प्रतिभागी बने, नंबर्स दिए जा रहे हैं, एक विजेता बनेगा, सभी विजेता नहीं बन सकते, वेशभूषा उनका रंग रूप, किंतु सभी ने भाग लिया इसके लिए, पूरा प्रशासन उनकी कदकाठी आभारी है, हर चीज के नंबर मिलते हैं आपकी सहभागिता से, एक से बढ़कर एक यह प्रतियोगिता बहुत सुंदर बनी। आपने मंच की शोभा बढ़ाई, सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। खेतुलाई गांव में की महारानी पद्मनी, एक से बढ़कर एक मेड़ता की रानी मीराबाई, जिन्होंने राजस्थानी परिधान की सुंदरता और त्याग दिए थे पूरे और संन्यास तैयारी के साथ मंच पर आदि स्पोकन प्रतिभागी पहुंच चुके हैं, जजेस भी मंच पर पहुंच चुके हैं, जिनके द्वारा नंबर्स दिए जा रहे हैं, बारीकी से एक चीज की जांच की जा रही है। इन्हीं को आदर्श मानते हुए राजस्थानी परिधान हमारी की बारीकी से जांच की कर रही हैं, श्रृंगार नंबर्स दिए जा रहे हैं। सभी प्रतिभागी मंच पर बड़ी राजस्थानी परिधान की सुंदरता से पहनकर सभी गहनों के साथ खूबसूरती के साथ यहां पर पहुंचे हैं और एक कड़ा कंपटीशन यहां पर मिस पोखरण का, लंबी मेहनत के बाद अपने वस्त्र आभूषणों का चयन किया और ये देखिए खास प्रतियोगिता मिस पोखरण की प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता में शामिल हो पाए हैं सभी को खूबसूरत राजस्थानी परिधान राजपूत परिधान पहने हुए पोखरण की युवतियां सजेंदाज में मंच पर पहुंची हुई है एक ही बालिका को प्राप्त होगा और जो जजेज हैं वो बड़ी बारीकी से एक एक प्रतिभागी को परिधान को देख रहे हैं, उनकी सुंदरता को देख रहे हैं, नंबर्स दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ खास चाव यहां पोखरण में इन प्रतियोगिताओं को लेकर सभी गणमान्य जन यहां पर पहुंचे हुए हैं, प्रतियोगिताएं चल रही हैं और पोखरण की धरती पर अब मटका दौड़ की प्रतियोगिता शुरू हो रही है। महिलाएं तैनात हो चुकी है मैदान में, सामने मटका रखा हुआ है पानी से भरा हुआ और उन्हें दौड़ना होगा एक विसल के साथ और इस मटके को उठाकर और इस फिनिश लाइन जहां पर ये रिबन लगा हुआ है मटका रेस के बाद इस रिबन तक पहुंचना होगा। लोग बड़े चाव से लेके भीड़ और उसके बाद और शुरू हो चुकी है प्रतियोगिता। रेवता राम अपनी टीम के साथ तैयार रहेंगे, कोई कंफ्यूजन रहा है, अभी प्रतियोगिता शुरू नहीं हुई है और शुरू हो चुकी है प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है मटका लेकर और ये देखिए ये फर्स्ट की ओर नो डाउट इन्हें प्रथम स्थान और बनाने में सहयोग करें और इसके साथ ही ये द्वितीय और ये तृतीय स्थान पर पहुंच चुके हैं और बाकी महिलाएं जो है अब काफी पीछे रह चुकी हैं। और बाकी महिलाएं काफी पीछे रह चुकी हैं। पोखरण के लोक कलाकार नाम नोट किए जा रहे हैं तुरंत, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति अर्जित की है और ये पोखरण की धरती पर इस वक्त रसाकसी का खेल चल रहा है। ये देखिए एक तरफ ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं पूरी ताकत झोंक रही है और दूसरी तरफ जो है रसाकसी का मतलब लड़कियां हैं जो शहरी क्षेत्र की हैं, एक तरफ दूसरी टीम को खींचे जोरदार रसाकसी का मुकाबला पहली टीम को अपनी तरफ खींच लेगी और जोरदार उत्साह भरा ये देखिए माहौल यहाँ पर पूरी तरह से और ये सेकेंड राउंड शुरू हो चुका है। सेकेंड राउंड में देखते हैं कौन विजय होता है और हमारी पृष्ठभूमि है क्या तीसरे राउंड तक खेल आगे बढ़ता है या कि जो भी और ये तेजी से ये देखिए लड़कियों ने महिलाओं पर ताकत अपने आप में भारी साबित हुई है
और जीत हासिल कर ली है, क्योंकि लगातार दो राउंड इन्होंने जीत लिए हैं। परमाणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध पोखरण में विभिन्न झांकियों के साथ, विभिन्न वेशभूषाओं के साथ, बैंडों के साथ एक सुंदर शोभा यात्रा सबसे पहले पोखरण की धरती से, पोखरण के मजारों से गुजरी और उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां पर विशिष्ट कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुए, अपनी अपनी कला और संस्कृति की झलक पेश करते अलग अलग नृत्य प्रस्तुत किए गए। वहीं मिस और मिस्टर पोखरण की प्रतियोगिताएं जो कि खास चाव से देखी जाती हैं वो भी आयोजित हुई हैं, और साथ ही साथ रस्साकसी, मटका दौड़ जैसी कई कल्चरल जो प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं। और ये देखिए, पुरुषों के बीच में, युवाओं के बीच में रस्साकसी का ज़ोरदार मुकाबला चल रहा है। और ये देखिए, दोनों तरफ अलग अलग जो टीम है, फ्रेंड्स क्लब पोखरण की टीम है, दूसरी तरफ कपिल जिम पोखरण की टीम है, ज़ोरदार रस्साकसी का नज़ारा पेश करते हुए अपने युवा ताकत का, सौष्ठव का प्रदर्शन करते हुए। और इस तरह से अब जो है बारी को फेरा जाएगा, साइड बदली जाएगी, युवाओं की यह रस्साकसी की पुरुषों की प्रतियोगिता फिर से शुरू हो चुकी है। और फिर से ये देखिए, वो पलड़ा भारी हो रहा है जिन्होंने पहली बार अपना दमखम में अपनी ओर खींच लिया था, और फिर से साइड ज़रूर बदली है लेकिन अपनी ओर खींचते चले जा रहे हैं तेज़ी से। और अगर दूसरा राउंड उसी टीम ने जीत लिया तो तीसरे राउंड की आवश्यकता नहीं रहेगी। और ये लो, ये दूसरा राउंड लगातार दोनों एक ही प्रतिभागियों की टीम ने जीत लिया है, तो तीसरे राउंड की आवश्यकता भी नहीं। पोखरण की धरती पर मरु महोत्सव 2024 के शानदार कार्यक्रम चल रहे हैं, और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जो युवा हैं पोखरण के, वो बड़े ही चाव से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हर कार्यक्रम में ज़ोरदार हुटिंग और उत्साह देखने को मिल रहा है। युवाओं से थोड़ी हम जानकारी लेते हैं कि वो किस तरह का उत्साह इन प्रतियोगिताओं को लेकर रखते हैं। अपना नाम और परिचय बताएं। उगम, मारा नाम मानवेंद्र सिंह चंपावत है, पीलवा गांव है, हाल निवास पोखरण है। अब की 2024 में मरु महोत्सव बहुत ही अच्छो देखने लायक मिलियो। हमारे MLA साहब पवन साधनी महाराज 1008 प्रतापपुरी जी महाराज रो आशीर्वाद मिलियो, एवं एडिशनल SP साहब गोपाल सिंह जी एवं SDM साहब यो सभा रो सानिध्य प्राप्त हुयो, और अच्छो कार्यक्रम बहुत ही अच्छो हुयो। युवा है जो कोई प्रतियोगिता में भाग लियो? हाँ सा हुकम, मैं साफा बांधने में प्रतियोगिता में लियो और मिस्टर पोखरण प्रतियोगिता में भी भाग लियो। बिल्कुल। और अब के युवा इतनी एक्टिव लग रहा है कि बढ़ चढ़ सहयोग लियो, लेडीज गर्ल्स में हो चाहे बॉयज में हो। बिल्कुल, उत्साह मैं देख ही रहा हूँ खुद भी। आप नाम भाई? भोम सिंह। भोम सिंह जी, आप कौन सी प्रतियोगिता में भाग लियो? मैं साफा प्रतियोगिता में भाग लियो। और हाँ, तो आप के कहना चाहते हो, खास जो प्रतियोगिता हो रही है, देश दुनिया ना लोग अपनी धरती पर आवे, के अनुभव लोग ले जावे? यहाँ पर अनुभव है, पर्यटन बहुत आते हैं और अच्छा है, ये हो रहा है, बढ़िया है। और जैसलमेर में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। और ख़ास बात यह है, यहाँ जो पोखरण हो रहा है इसमें जैसलमेरी साहब को महत्व मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट टाइम जो भी विभाग करा रहा है तो विभाग अपने हिसाब से, मतलब जैसलमेरी साहब को महत्व दिया जाए, इस हिसाब से होना चाहिए। नोकल्स, आपको क्या नाम है? मारो नाम स्वरूप सिंह है और भादरिया गांव है, और आज यहां पर मरु उत्सव में साफा बांधने में भाग लिया था। ठीक है। और जो लोग ऐसे दूर दूर से आ रहे हैं, देश विदेश में लोग आवे देखे, तो आप क्या कहना चाहो, बाँ के लिए का ही मैसेज देना चाहो? बाँ के लिए यही मैसेज करना चाहो, जैसलमेरी या सुंदरता और जो ये नियम है ये आगे भी बने रहे, और अच्छा है प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा हुआ, यह संदेश हम देना चाहते हैं लोगों को, और हमारी यह संस्कृति है जो कि आगे भी बनी रहे, यह संदेश है लोगों के लिए। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है और बस यही कहना। आपको शुभ नाम कहा? दुर्जन सिंह भाटी। गोविंद सिंह जी भाटी, तो क्या कहना चाहेंगे भाटी जी? अब आज जो युवा है, आजकल का युवा है, जो देखो खास जहाँ मेरी तरह जींस पैंट पहनना ज़्यादा पसंद करे, और आप, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, अठे का युवा जो है वह आपका परिधान के जो पारंपरिक परिधान है के प्रति खास रुझान देखने मिल रही है। हमारी संस्कृति है, संस्कृति के हिसाब से चलते हैं हम। अपने यहाँ पर शॉप है भादरिया साफा हाउस करके, यहीं पर साफा वगैरह बांधते अपन आगे। इस टाइप की वेशभूषा जी की पारंपरिक अपनी अठे की वेशभूषा है, आप और आम दिन भी पहना या केवल कार्यक्रम में ही पहना? मैं ज़्यादातर शादी ब्याह में भी पहनता हूँ, ये भी पहनता हूँ। शादी ब्याह में आप पहनते हो इस तरह? हाँ, जो भी फंक्शन होता है वहाँ पर ये पोशाक पहन के जाता हूँ मैं। मेरा मेरा मानना ये है कि राजस्थान में सब यही कल्चर रखे अपना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको शुभ नाम? मेरा नाम भैरूलाल जी और मैं पोखरण से हूँ। प्रतियोगिता में भाग लिया? साफा प्रतियोगिता में। और क्या कहना चाहेंगे युवाओं से, क्या मैसेज करना चाहेंगे?
जैसा ऐसा है सर कि ये जो साफा है वो अपने राजस्थान और मारवाड़ के आन बान शान है। मैं ये कहना चाहता हूँ हर एक युवा, हर एक नारी, हर एक को साफा आना चाहिए और सीखना बहुत ही जरूर चाहिए। ये हमारा मान है, सम्मान है, सब कुछ है और ये हमारी पहचान है। जैसे जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं नशे की ओर बढ़ रही है और इस तरह की जो शारीरिक सुंदरता और सौष्ठव की जो प्रतियोगिताएं होती है उनमें कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता फैला रहे, तो क्या मैसेज करना चाहेंगे? मैसेज तो वही हुक्म नशो पतो नहीं करना चाहिए। हमें अपनों मारवाड़ी में वही कथन है कि अपनों अच्छी जो को बूढ़िया वडेरा जो पहले रो भोजन ग्रहण करता उन हिसाब अपने खान पीन वही रखना चाहिए। वे तो नशो पतो करता को नहीं तो हमारी उम्र भी लंबी होती। आजकल युवा है जो युवा अवस्था मायने को सिगरेट बीड़ी गुटखा एडो खाद्य खाण आरोग्य करे तो उम्र लिए वो घातक है और कम उम्र में उम्र अवस्था कम होगी। प्रतियोगिताओं के इनाम दिए जा रहे हैं, रसाकसी की टीम को विजेता टीम को इनाम दिया जा रहा है, रसाकसी विजेता टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है। उपखंड अधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय और पर्यटन विभाग के अधिकारियों द्वारा पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में पीएसजेड की टीम विजेता रही है। मटका दौड़ में विजेता को सम्मानित किया जा रहा है। मटका दौड़ की प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड रहने वाली महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। अब मैं आमंत्रित करूंगा स्वरूप सिंह जी जिनका सम्मानित किया जा रहा है। साफा बांध प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए स्वरूप सिंह जी का सम्मान हो रहा है और साफा बांध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है दुर्जन सिंह जी का सम्मान किया जा रहा है। दुर्जन सिंह जी का द्वितीय स्थान प्राप्त करने में और प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है बालिकाओं की प्रतियोगिता मिस पोखरण तीसरे स्थान पर कोमल भाटी का सम्मान किया जा रहा है जो कि मिस पोखरण प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। सम्मानित किया जा रहा है कोमल भाटी को। द्वितीय स्थान महक विश्नोई जिसको द्वितीय स्थान प्राप्त किया है मिस पोखरण प्रतियोगिता में और सम्मानित किया जा रहा है। मिस पोखरण अंतिमा खत्री जो कि प्रथम स्थान प्राप्त किया है मिस पोखरण प्रतियोगिता में और पोखरण सुंदरी का खिताब उन्होंने 2024 का जीता है। मिस पोखरण 2024 ये खिताब पहनाया जा रहा है। मिस पोखरण 2024 और ताज पहनाया जा रहा है सर पर। विजेता 2024 मिस पोखरण सम्मानित किया जा रहा है अंतिमा खत्री को और ट्रॉफी प्रदान की जा रही है विजेता की और ट्रॉफी हवा में उठाकर अभिवादन कर रहे हैं, सभी का खुशी जाहिर कर रही हैं अंतिमा खत्री। मानवेंद्र सिंह का सम्मान किया जा रहा है। मिस्टर पोखरण तृतीय स्थान प्राप्त किया है मानवेंद्र सिंह ने। मिस्टर पोखरण में रनर अप सेकंड स्थान प्राप्त किया है मुकेश सेन ने जिनको सम्मानित किया जा रहा है। मुकेश सेन का सम्मान किया जा रहा है। मिस्टर पोखरण द्वितीय स्थान सेकंड अभिषेक और मिस्टर पोखरण 2024 अभिषेक छंगाणी को सम्मानित किया जा रहा है। मिस्टर पोखरण 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। 2024 के सबसे हैंडसम पर्सनैलिटी के पोखरण के युवा के रूप में सम्मानित होते हुए और मिस्टर पोखरण 2024 अभिषेक छंगाणी को किताब पहनाया जा रहा है। शील्ड दी जा रही है, ट्रॉफी जीत चुके हैं अभिषेक छंगाणी और अपनी खुशी जाहिर करते हुए ट्रॉफी हवा में लहराकर। मरु महोत्सव 2024 का शानदार आगाज हुआ और कार्यक्रमों के बाद में एक खास प्रतियोगिता जिसको लेकर चाव खास युवाओं में देखा जाता है मिस और मिस्टर पोखरण की। और मिस पोखरण जो 2024 में इस बार जो बनी है अंतिमा खत्री वो मेरे साथ में मौजूद हैं। ट्रॉफी उनके हाथ में है और खुशियां चेहरे पे साफ साफ झलक रही है कि किस तरह की खुशी वो महसूस इस वक्त कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई मैं सबसे पहले आपको दूंगा और पूछना चाहूँगा कि इस प्रतियोगिता को लेकर खासकर पोखरण के लोगों में, युवाओं में किस तरह का क्रेज़ रहता है, वो किस तरह की तैयारियों में जुटे रहते हैं वर्ष भर? क्या आप भी उसी तरह से पहले से आप तैयारी कर रहे थे? पहली बात तो थैंक यू और खुशी तो हो ही रही है बहुत और बहुत पोखरण के लोगों को
मरु महोत्सव का इंतज़ार रहता है। बहुत सारी लड़कियां पार्टिसिपेट करती है, हर बार कोई ना कोई जीतती है। इस बार मैं जीत गई, अगली बार कोई और जीतेगी। आप क्या पहले से वर्ष भर से इसकी तैयारी में थे पहले? नहीं, मैं बहुत कम समय से इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं तो ये एक तरह से युवाओं को, मैं समझता हूँ कि इस तरह की प्रतियोगिताएँ जो है युवाओं को कहीं ना कहीं नशे की प्रवृत्ति से दूर हटाकर अपने शारीरिक सुंदरता और शारीरिक जो स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, आप क्या समझते हैं? हाँ, जैसे आज मिस मूमल, ये मूमल को लेकर है। मूमल बहुत सुंदर थी, स्वास्थ्य में अच्छी थी, उसी हिसाब से शरीर अच्छा होगा तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हाँ, एजुकेशन से भी बढ़ चढ़ कर यदि पर्सनैलिटी की, यदि आपको पर्सनैलिटी आपकी अच्छी हो तो बिल्कुल आपको हर जगह पे जो है मिलेगा। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा ट्राई करना चाहिए और ट्राई किया तो जीत गई। आप किसे श्रेय देंगे इसका जीत के लिए? मम्मी पापा, मम्मी ने सब प्रिपरेशन की। और ये जो वेशभूषा है, वैसे एक राजपूती जो ट्रेडिशनल वेशभूषा है, हमारी पारंपरिक वेशभूषा है यहाँ की, क्या हम आम दिनों में भी आप इस तरह की वेशभूषा पहनते हैं या सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए आपने पहनी है? नहीं, कई बार पहले पहनी है। कई बार पहनते हैं? हाँ, शादी ब्याह में और में फंक्शनों में पहनते हैं इस तरह की? हाँ, शादी ब्याह वगैरह में, फंक्शन। बिल्कुल, जिनका इन्होंने जिनको श्रेय दिया है, इनके माता पिता मेरे साथ में, और वैसे किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने के लिए उसके माता पिता का आशीर्वाद होना, सहयोग होना, उसके पीठ के पीछे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। उनके पिताजी क्या नाम है सर? मेरा नाम खेमराज खत्री है। और आपकी बेटी की सफलता के लिए क्या कहेंगे? ये मेहनती है, पढ़ाई में भी है और स्कूल में हर प्रतियोगिता में भाग लेती है। और कल ही उसको कहा अचानक कि आपको भाग लेना है, तो मैंने कहा तैयारी कर, पहले इसकी कोई तैयारी नहीं थी, कल ही अचानक एकदम की है। और वैसे क्या है कि हर चीज़ में ध्यान देती है बराबर, तो कोई भी काम हो तो उसके लिए इसको कहना नहीं पड़ता ज़्यादा, और ये सब अपना काम कर देती है। मतलब समझदार है बिल्कुल। और माताजी से मैं थोड़ी सी पहले नाम परिचय बता। विद्या खत्री हूँ। विद्या जी, हर वैसे माँ के लिए उसकी बेटी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की होती है, परंतु यदि उस पर मोहर दुनिया लगाए कि वो सबसे सुंदर है तो कैसा अच्छा अनुभव महसूस होता है माता को? बहुत अच्छा लगता है एकदम। और आपकी बिटिया आज जो है खिताब जीता है, तो किस तरह की भावनाएं रहेंगी जीवन में वो सफलता पाए? बहुत खुशी हुई मेरे को पाके इसको। आगे जीवन के लिए किस तरह की शुभकामनाएं देंगे इसको? ये देती हूँ आगे हर काम में आगे बढ़े और हर जीत इसको मिले। बिल्कुल, हर जीत इसके कदम चूमे। और क्या बनना चाहेंगे आगे? मुझे आगे पायलट बनना है, कमर्शियल पायलट। हवाई जहाज उड़ाएंगे? हाँ। बिल्कुल, सुंदरता में भी, एजुकेशन में भी और स्टंट में भी। हाँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिस्टर पोखरण की प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है, मरु महोत्सव 2024 का शानदार कार्यक्रम, युवाओं ने खूब उत्साह से इसमें भाग लिया और एक युवा बांके नौजवान, और मैं कहूँगा लगभग 6 फुट के नौजवान हैं, और इनका रोबीला अंदाज अपने आप में एक आकर्षण पैदा कर रहा है, और वो आकर्षण इस प्रतियोगिता में भी दिखाई दिया। जब जजेज ने जब नंबर्स दिए तो अभिषेक छंगानी विनर बने इस 2024 के इस प्रतियोगिता मिस्टर पोखरण में। कितना अच्छा लगता है अपने आप को एक विनर होना? सर, इसमें बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते हैं। अगर जीत जाते हैं अपन तो अंदर ही अंदर सोचते हैं, खुशी होती रहती है कि भाई आगे क्या करें। खड़े होने मेरे को यूँ लग रहा था, मैंने कहा यार जीत गए। एक होता है कि भाई 10 लोग खड़े होते हैं, किसी की दाढ़ी अच्छी होती है, किसी की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, तो 10 बंदों को अपन देखते तो लगता है यार कॉम्पिटिटर तो है सामने। एक दो बंदा हो तो अपन सोच सकते हैं कि भाई पर्सनैलिटी नहीं है, 2 बंदे में अपन जीत सकते। 10 बंदे खड़े होना तो लगता है यार चूक हो सकती है अपन में, अपन कुछ भूल चुके हैं, कुछ अपन की एक कमी अपन को हरा सकती है। अगर मैं ये हाथ में कड़ा ना पहनूँ तो मेरे को इसके नंबर कट जाए। मेरे को उसकी पूरी प्रिपरेशन करनी थी, मैंने एक एक चीज़ का ध्यान रखा है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने 200% दिया इसको, क्यों, जिससे कि आगे अच्छा कर सकूं। वैसे आप क्या काम करते हैं जनरली? मैं ऐसे शेयर मार्केट ट्रेडिंग का काम करता हूं और साइड में मेरा मॉडलिंग एक्टिंग का काम है। और मॉडलिंग एक्टिंग का आपका काम है और आज आपने एक खिताब भी जीता है, तो निश्चय ही उस काम में भी आपको एक इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो इसके लिए आपने क्या पहले से तैयारियाँ जो है वर्ष भर से अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, या किस तरह से आप तैयारी करते थे? मैं पिछले 2017 से कर रहा हूँ इसके लिए, तो क्योंकि मेरा बड़ा भाई है कपिल छंगानी, वो मिस्टर डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में 2017 को जीता था। अच्छा। तो उस टाइम पे हम वहाँ पे थे, तो मेरे को देखना था, मैंने कहा यार ये अपन को भी जीतना है एक बार, तो उस समय से मैं रेडी था, पर मेरी बीएड इतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी। अभी रिसेंटली होके मेरी ग्रोथ हुई है, तो मैंने कहा अब परफेक्ट है। तो मैंने अपने गुरु से पूछा, मैंने कहा अब, उन्होंने बोला अब तू परफेक्ट है जा।
तो उसके बाद मैंने कहा पूरा परफेक्ट होने के बाद जाएंगे वहाँ पे, जिससे कि अपन को आगे प्रोग्रेस होगी आगे जाने में, कहीं पे यूँ नहीं लगे कि अपन की कोई भूल चूक के कारण अपन को निराश होना पड़े। जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जीत का श्रेय सबसे पहले तो मेरे महादेव, उसके माता पिता अपने, मेरे गुरुदेव, मेरे भाई भाभी, मेरे दोस्त, बड़े भाई भरत बोहरा जी, भरत दोस्त है मेरा तो वो भी था, सुभाष भैया, नवल भैया मेरे मासी के लड़के, जो भी थे सब ने तैयारी की है। बिल्कुल, बहुत बहुत आपको बधाई भी है। युवाओं से मैं थोड़ी सी बातचीत और करूंगा, जो युवा इन प्रतियोगिताओं में भाग लिए थे और उन्होंने इनाम भी जीते हैं, ये देखिए शील्ड भी दिखाई दे रही है, और ये मिस्टर पोखरण में जो है तृतीय स्थान पर रहे मानवेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे इस प्रतियोगिता के लिए? सब बहुत ही खुशी होती है कि आज मैंने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जो भी एक नॉर्मली पहना हुआ से, और मेरा फर्स्ट चांस था, प्रथम बार में मैंने तृतीय स्थान हासिल किया, ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और सभी मेरे प्यारे युवा साथियों को मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ कि आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, क्या पता आपका भी चांस आ सकता है जैसे कि आज मेरा आया है, और किसी का भी लक साथ में दे सकता है। मेरा लक था, मैं आज थर्ड स्थान पर आया, मैं एक नॉर्मल पहना हुआ अपने जो राजस्थानी राजपूती पहनावों को मैंने फॉलो किया, मेरा कल्चर था उसी हिसाब से मैंने कॉपी की, बाकी ज़्यादा मैंने तैयारी वगैरह नहीं की थी, फर्स्ट चांस। और मैं बॉडी जाता हूँ, बॉडी मेंटेनेंस मेरा अच्छा है, थोड़ा पहना अपने आप को मैं क्या कहूँ, मेरे मुंह से बड़ी बात नहीं कहना, शरीर के प्रति आप जागरूक हैं। जी 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 हुकुम, बिल्कुल यही बात, बिल्कुल ये ही जरूरी है। और द्वितीय स्थान मुकेश जी, मुकेश जी सेन क्या कहेंगे जिस तरह का ये अवसर आया है? सर मैंने एक बार पहले भी ट्राई किया था यहाँ से, वहाँ से सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार मिली, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों भाइयों के लिए, मेरा इतना अच्छा स्वभाव रहा और मैं सेकेंड रहा। मैं ये चाहता हूँ कि और भी भाई लोग आगे बढ़े, इसमें भाग लें और कोशिश करें कि एक से एक राजस्थानी पहनाव के लिए कुछ ना कुछ कहें, राजस्थान पहनाव के लिए, इसके लिए आप आगे से आगे हर शादी ब्याह में आप ये पहनावा पहन के जाए तो बहुत अच्छा लगेगा आप। और मैं ये चाहता हूँ कि हर ये संस्कृति जिंदा रहे, और ये जो मेरे भाई बंद हैं वो भी कोशिश करें कि इस पहनावे को रूटीन में ले, बिल्कुल इस संस्कृति को अपनाएं, उससे दूर ना हटें। और साफा की प्रतियोगिता में जिन्होंने सबसे खूबसूरत और सबसे कम समय में साफा बांध कर दिखाया, भैरू लाल जी, उनसे मैं बातचीत करूंगा कि जो ये साफा है जो आपने तुरंत गति से बांध के दिखाया, लगभग कितना समय लगा होगा? समथिंग लगा होगा 27 सेकेंड। 27 सेकेंड लगा होगा आपको? इस तरह की प्रैक्टिस पहले से रही है? वो करते हैं काम में, और एक क्या होता है इस चीज़ के अंदर एक अपनी खुद की एक लगन होती है, इच्छा होती है, और जो जिस चीज़ के प्रति जागरूक हो जाता है ना वो तो करके ही छोड़ता है। बस मेरा भी एक शौक था, मैं बांधूंगा, बस मेरा शौक सफल हो गया। शौक रखते हैं या वैसे आप सफा बांधते? मैं प्रोफेशनली बांधता हूँ, ठीक है, दूल्हे वगैरह का सब बांधता हूँ, और मेरा कहना ये है कि साफा अपने आन बान है, शान है, और ये राजस्थान का जो मान सम्मान है वो साफा है। बगैर साफा, बगैर पगड़ी के इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए साफा बहुत ही जरूरी है। यहाँ की पगड़ी पहचान रही है हर क्षेत्र से, लोग पहचान जाते हैं कि ये पगड़ी कहाँ से है। हमारे जो छोटे भाई है या बड़े हैं, अंकल चाचा जो भी हैं, सभी से यही कहना चाहता हूँ कि साफा बांधे, सीखे और इसके अंदर रुचि रखें, आन बान शान ही हमारी पगड़ी संस्कृति से जुड़े, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ते रहें और इस चीज़ को आगे से आगे और बढ़ावा दें। बिल्कुल, ये थी खास प्रतियोगिताएं और प्रतियोगिताओं के विनर से खास बातचीत, उनकी भावनाएं जानने की कोशिश की, पोखरण की धरती से नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापत के साथ, जय जय राजस्थान।